नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। अखिल भारतीय इस्पात चिकित्सा अधिकारियों के सम्मेलन में आईजीएच के चिकित्सकों द्वारा गौरव हासिल। आरएसपी कार्यपालकों के लिए जीएसटी प्रशिक्षण पर सत्र आयोजित। और परियोजना विश्वकर्मा का अन्य एक सत्र आयोजित। अब समाचार विस्तार से। रांची में 10 से 12 फरवरी 2017 तक आयोजित अखिल भारतीय इस्पात चिकित्सा अधिकारियों के सम्मेलन कक्ष में इस्पात जनरल अस्पताल आईजीएच के चिकित्सकों ने 4 पुरस्कार जीते। उल्लेखनीय है कि यह संख्या प्रतिभागी अस्पतालों में सबसे अधिक है। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अश्विनी कुमार 13 फरवरी को अपने कार्यालय में विजेता चिकित्सकों से मिले एवं उन्हें उदाहरणात्मक निष्पादन एवं आरएसपी के लिए गौरव हासिल करने हेतु उन्हें बधाई दी। उन्होंने आईजीएच में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र में चिकित्सकों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य की सराहना की तथा उन्हें भविष्य के कार्यों में सफलता की कामना की। निदेशक प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर ए के सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। गौरतलब है कि सेल अस्पतालों RENL, टाटा स्टील एवं मेकॉन से आए चिकित्सा अधिकारियों ने इस वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जिसे पूरे देश के इस्पात संयंत्रों के चिकित्सा अधिकारियों के चिकित्सा कौशल एवं ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। मरीजों की देखभाल में नवीनतम विकासों के संबंध में विचार विमर्श करने हेतु यह एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इस वर्ष यह सम्मेलन मेकॉन रांची द्वारा आयोजित किया गया। डॉक्टर सिंह एवं 8 चिकित्सकों की उनकी टीम सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने 3 प्रथम पुरस्कार एवं 1 द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। सम्मेलन में अपने दस्तावेज प्रस्तुतिकरण हेतु वरिष्ठ उपनिदेशक नेत्र विज्ञान डॉक्टर श्रीमती सोनिया जोशी एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सूक्ष्म जीव विज्ञान डॉक्टर श्रीमती एम दासगुप्ता ने प्रथम पुरस्कार जीते तथा चिकित्सा अधिकारी आपातकाल एवं ट्रॉमा केंद्र डॉक्टर मेजर पीजे राय ने द्वितीय पुरस्कार जीता। डॉक्टर देवाशीष महंत एवं डॉक्टर मेजर पीजे राय ने संयुक्त रूप से चिकित्सा क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम पुरस्कार जीता। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के विभिन्न विभागों के कार्यपालकों के लाभ के लिए एचआरडी सेंटर में 14 फरवरी को प्रस्तावित गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी पर एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अश्विनी कुमार मुख्य अतिथि थे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब जीएसटी एक वास्तविकता बन गया है जो प्रथम जुलाई 2017 से कार्यान्वित किया जाएगा, यह सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि इसे समझें और प्रावधान सहित इसका अनुपालन करें ताकि आरएसपी इसके सभी लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो। हम हमेशा कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल। अब हम उन्हें जोड़ सकते हैं कि अनेकों जीएसटी भी हर किसी की जिंदगी से जुड़ने जा रहा है। जैसे कि भारत में उद्योग एवं वाणिज्य के अलावा जीएसटी का प्रभाव हम सभी पर पड़ने जा रहा है, श्री कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि पहले खतरे की एक ध्वनि कुछ समस्याओं का संकेत देती है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। उन्होंने सभी उपस्थित से आग्रह किया कि जीएसटी के अंतर्गत विभिन्न जरूरतों का पूरा ज्ञान प्राप्त करें और अनुभवी फैकल्टी द्वारा अपनी सभी शंकाओं का समाधान करें। वे चाहते हैं कि जीएसटी के निर्बाध कार्यान्वयन हेतु हर कोई तैयार रहे, अब यह लागू हो। पार्टनर मेसर्स लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन अटॉर्नी श्री रवि राघवन, जिन्हें सेल निगमिक कार्यालय द्वारा जीएसटी के लिए नियुक्त किया गया है, एक विशेषज्ञ फैकल्टी है जिन्होंने जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और एक प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए कार्यपालकों से प्रश्न भी पूछे।
महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री बी ए मसौदी ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और जीएसटी के कार्यान्वयन तथा इसके लिए तैयारी की आवश्यकता के संबंध में संक्षिप्त चर्चा की। कार्यपालक निदेशक कामिक एवं प्रशासन श्री पी के प्रधान, कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री शुभेंद्र दास, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री परमानंद साहू, अनेकों महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष तथा प्लांट के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। मेंटेनेंस मैनेजमेंट पहल प्रोजेक्ट विश्वकर्मा का अन्य एक कार्यशाल सीपीटीआई में 12 फरवरी को आयोजित किया गया। महाप्रबंधक एचआरडी डॉक्टर एस दत्त, महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री डी के महापात्रो इस अवसर पर उपस्थित थे। नई प्लेट मिल स्पेशल प्लेट प्लांट, हॉट स्ट्रिप मिल, विद्युत वितरण, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एयर कंडीशनिंग विभाग के कुल 15 कार्यपालकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री डी के महापात्र, सहायक महाप्रबंधक बीई श्री ए महांती एवं सहायक प्रबंधक एमएसएस श्री आर अग्रवाल ने सत्रों का संचालन किया। समापन सत्र के दौरान महाप्रबंधक मिल्स एवं ऑक्सिलरी श्री पी के महांती, महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री डी के महापात्र एवं नई प्लेट मिल के महाप्रबंधक श्री एस के मिश्रा भी उपस्थित थे। मिल्स अन्य भागों के विभागीय प्रमुख भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रारंभ में उप महाप्रबंधक सीपीटीआई श्री एस आचार्य ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर सीपीटीआई श्री बी के पात्रों ने के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।